जो ये कहते हैं वो पागल वाली दुनिया में रहते हैं। पार्लियामेंट में मैंने अकेले बीजेपी से मुकाबला किया, कश्मीर के बारे में मैं 4 घंटे धरना दिया नीचे जमीन में बैठ के। पूरी जिंदगी में 40 साल 45 साल मैंने जमीन पे बैठा, मैं धरने पे 4 घंटे बोला और 4 घंटे के बाद फिर भाषण किया। कोई कश्मीर पे किया, कोई मोदी जी के खिलाफ पार्लियामेंट बोला। बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान दिया। आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने खुशियां उड़ा दी, इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट। कश्मीर में अगर पार्लियामेंट में दिए हैं किसी ने मेरे साथ, तो वो G20 के 3 के 4 लीडरों में, मेरे अलावा उन्हीं 4 के हैं वो मेरे साथ है। तो जो आदमी बीजेपी और होम मिनिस्टर से इतना पार्लियामेंट में लड़े कश्मीर पर, वो बीजेपी कैसे जा सकता है? अरे कोई कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मुसलमान बीजेपी में जाएगा? और मेरा जैसा, अब मोदी ने तारीफ की उसमें गुजरात के लोगों का जब एक्सीडेंट हुआ था तो तब उसकी वजह से वो रोए, मुझ पर थोड़ी रोए कि गुलाम नबी आजाद जा रहा तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। पद्म भूषण हमको दिया तो मुझसे 1 साल पहले और मुझसे 1 साल बाद में एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के तरुण गोगोई को, उनको पद्म भूषण दिया, और एससी जमीर एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के नागालैंड, उसको पद्म भूषण दिया। राहुल गांधी ने वेलकम किया और बधाई दी। गुलाम नबी आजाद जिसने पंजाब आतंकवाद लड़ा है, कश्मीर आतंकवाद लड़ा है, उसको पद्म भूषण देंगे तो बीजेपी मोदी से मिला है। फारूक अब्दुल्ला साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, वो बड़े तजर्बे में मुझसे बड़े हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं। वो अगर कुछ कहते भी तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन उन्होंने सब 5 चैनल पे इंटरव्यू दिए और बहुत अच्छा कहा, हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला बल्कि तारीफ ही की। उसके लिए इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई, पहले से मैं इज्जत उनका करता था। हम लड़ते भी रहे, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ते रहे, लेकिन पर्सनल जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारी रही वो कभी नहीं हुई। और आज इस वक्त में भी कश्मीर के टॉलेस्ट लीडर ने हमारे बारे में अच्छी बातें की, उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कश्मीर और कश्मीर के लोगों के और जम्मू कश्मीर के, हिंदू हो मुसलमान हो, उनके लिए और स्टेटहुड के लिए, जमीन के लिए, नौकरी लिए अपना खून भी दूंगा, चाहे मैं अलग होकर भी वही काम करूंगा या उनके साथ। तो मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं। बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता और किसी दूसरी पार्टी का, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है जिसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद मशकूर हूँ। ये हमारी लीडरों के प्रचार में मत जाए जो कभी यह कहते हैं कि वो मोदी के साथ जाएगा, मोदी ने आंसू बहाए। अरे तुम तो गालियां देते हो जिसके साथ 52 साल दिए, जिस पार्टी को, बीजेपी को मैंने बचपन से 52 साल गालियां दी, वो तो कम से कम मेरे काम का, मेरी कुर्बानी का इज्जत करते हैं, मुझे गाली नहीं देते हैं। तुम्हारे लिए मैंने जान दी,